जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। आज आपको बताता हूँ मैं, स्मार्ट वॉच अगर आपने खरीद लिया है ना और वो नहीं चल रही, अक्सर लोग बाग स्मार्ट वॉच खरीद लेते हैं उसके बाद वो बंद हो जाती है कुछ दिनों बाद, फिर है ना वो पड़ी रहती है, उसे ठीक करना आज आपको बताता हूँ। देखो ये स्मार्ट वॉच है, ये अचानक से बंद हो गई, मैंने इसको एक वीडियो में खोल के बताया भी था, तो इसकी मैं बैटरी लेके आया हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा, शायद ही आपने इंटरनेट पर सुनी होगी, इसकी है ना बैटरी फूल गया, अब हमें क्या करना है। देखो इसका सोल्यूशन आज ले लो मुझसे। वो सारे बंदे खरीद लेते हैं स्मार्ट वॉच शौक शौक में और फिर उसे चलाते नहीं है ज़्यादा। आपके पास भी स्मार्ट वॉच पड़ी होंगी घर में दो चार, हमारे पास भी ऐसी पड़ी। देखो इसकी ना बैटरी फूल गई, अब आपको है ना एक डाउट होगा कि यार इसकी बैटरी पता नहीं कहाँ मिलेगी, कहाँ से लेनी पड़ेगी। देखो इसकी बैटरी हैगी 3.7 वोल्ट, ठीक है, ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे 230 mA है ना। तो अब ज़रूरी नहीं है आपको ये मिलाना mA, 3.7 तो सारी होंगी, जितनी भी ऐसी छोटी बैटरी होती है ना सारी 3.7 वोल्ट की मिलेंगी आपको। देखो मैं भी इसके लिए बैटरी लेके आया हूँ, अब आप कहोगे यार ये बैटरी कहाँ से लेके आए, तो आपको भी बता देता हूँ, टेंशन मत लिया करो। आपके शहर में या आपके गांव में एक कबाड़ी वाला होता है ना, उसके पास है ना कूड़े के भाव में पड़े रहते हैं, या तो ब्लूटूथ पड़े रहेंगे कान वाले जो नेक बैंड आते हैं ना, या फिर हेडफोन होंगे, जो भी वायरलेस गैजेट पड़ा उनके पास छोटा, मतलब ब्लूटूथ हो गया, हेडफोन हो गया और वैसा ब्लूटूथ हो गया जो स्पीकर वाला होता है, किसी किसी में ऐसी बैटरी भी डलती है छोटे वाले में, आप वो ख़राब वाला है ना वो उठा लो, वो आपको 5 से 10 रुपए में दे देगा आराम से, क्योंकि उसका वो 5-10 रुपए का भी नहीं बिकेगा, मगर आपको वो 5 से 10 रुपए में खुश होकर दे देगा। मैं भी ये कबाड़ी से लेके आया हूँ, एक ब्लूटूथ लिया था मैंने नेक बैंड, मुझको तो खैर उसने ऐसे दे दिया था, आपको नहीं देगा, आपको तो भगा देगा वो भाई, इसलिए 5-10 रुपए लेके जाना, ठीक है। तो ये बैटरी है 3.7 वोल्ट की ब्लूटूथ की, ये इसमें लगाऊंगा और इसको ऑन करके आपको आज दिखाऊंगा, ठीक है, और लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। ये ऑन नहीं हो रहा है, सुन लीजिए पहले हुआ क्या, ये रखे रखे फूल गया इसकी बैटरी, और ये ब्लूटूथ भी है ना 5000 रुपये का ले रखा भाई कस्टमर ने, ये भी बीमारी है। तो भाई इतना महंगा महंगा मत खरीदा करो, इनके अंदर कुछ नहीं होता यार, ये आपके पैसे वेस्ट होते हैं, इनसे बढ़िया है ना आप 1000 रुपये में तो टाइटन वगैरह की घड़ी मिल जाती है। और इसकी कहानी बताऊँ, मैं अगर कहीं शादी में जैसे जाता हूँ ना किसी में, तो वहाँ पर जब मैं किसी बंदे को बांधे देखता हूँ ना, मैं टाइम पूछता हूँ उससे भाई, वो टाइम नहीं बता पाता अक्सर, ज़्यादातर लोग टाइम नहीं बता पाते, इन्होंने कहा यार बैटरी डाउन होगी पता नहीं क्या हो गया, फिर हाथ में बांधी क्यों रखी, ये सिर्फ शोबाजी के लिए होती है, ये बीमारी शोबाजी की है, आजकल शोबाजी ज़्यादा करने लगे इन लोग बाग ना। देखो इसकी पन्नी हटा लेनी है, और ये पन्नी हट गई, इसमें ना 2 वायर होंगे बस, रेड और ब्लैक, ये वाले, हमें ये रेड और ब्लैक वायर जो है ये निकाल लेने हैं बस, इसकी क्लिप से इसके तारों को टाइट बांध रखा है, इसके तार छुटा लेने हैं आपको यहाँ से शोल्डर लगा के ना। देखो मैं बताता हूँ आपको ना, पेचकस गरम कर लेना, घर में पेचकस हो तो आपके, गैस पे गरम करके आप उससे भी सोल्ड कर सकते हो, नो टेंशन, सिर्फ 2 ही तार सोल्ड करने होते हैं और कुछ नहीं। ये बैटरी खुद से आप चेंज कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना किसी दुकान पर जाओगे ना वो आपको अगर रेट सुन के ना कि कितने का है ब्लूटूथ, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस बताएगा, फिर वो 600-700 रुपये 800 रुपये ऐसे बताएगा बैटरी के। अब देखो इसमें बैटरी मैं लगा देता हूँ, ये बैटरी एरी, इसमें मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ देखो, ताकि इसमें सोल्डर पकड़ ले। और ये बैटरी मैंने चेक कर ली है, चार्ज हो रही है, पर इसमें प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा यार, इसका है ना प्लस माइनस जरूर चेक कर लेना कि किस तरफ है, चिंता मत करो फटे वटेगी कुछ नहीं, अगर प्लस माइनस ये उल्टा लगा दोगे तो बस गर्म हो जाएगा तार और कुछ नहीं होगा। इसका ये वाला सिरा प्लस है, वो सारे रिपेयर वालों को भी इससे कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस लिखा नहीं है, तो प्लस माइनस कैसे पहचानेंगे बताऊं, मल्टीमीटर को है ना 20 वाट पे सेट कर लेना, और उसके बाद ये प्रोब लगाना, 3.7-3.8 समथिंग इतना होता है इसकी वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का निशान नहीं आ रहा देखो मल्टीमीटर में बिल्कुल भी, तो ये जिस जगह लाल वाली प्रोब लगी है ना हमारी, ये प्लस है इसका भी। देखो इसको मैं उल्टा लगा के दिखाता हूँ, देखो इसको इधर किया तो वहाँ माइनस का निशान आ जाएगा ना, इसका मतलब हमने प्रोब गलत लगा रखी है, वोल्टेज तो दिखाएगा वो, ये पिन गलत लगा रखी है हमने ना, इस ये जब पिन अपने आप सही लग जाएगी ना तो वहाँ पे माइनस का निशान हट जाएगा और वोल्टेज दिखा देगा, देखो इस तरीके से है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ प्लस वाली ये वाली है। अब हमको ये याद में रख के इसमें प्लस लगा देनी है, देखो ये मैंने बैटरी उल्टी कर ली है, प्लस वाली ये पिन है हमारी, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे उल्टी करूँगा तो प्लस इधर आ जाएगा, कन्फ्यूज़ मत होना। अब इसकी बैटरी लग चुकी है, देखो बस 2 ही तार सोल्ड करने होते हैं, एक बार ऑन करके देखते हैं, अगर ये ऑन हो गई ना, ये देखो दोस्तों मज़ा आ गया, बैटरी लो बता रहा है मगर इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। ये होता है देखो इसका टच, ओ बेटे टच भी चल रहा है इसमें तो, 5000 की ली थी तो भाई कुछ तो चलेगा ही इसमें। अब इसको है ना मैं चार्ज करके दिखाता हूँ,
और बैटरी सेट हो जाती है भाई, ले लेना जैसे मैंने आपको बताया ना तरीका है, ऐसे कबाड़ी से ले लेना भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओ बेटे चार्जर कनेक्टेड, कमाल हो गया भाई। तो हमें आज के वीडियो में क्या सीखने को मिला कि आपके पास अगर कोई भी गैजेट ख़राब हो जाए ना, टेंशन मत लिया करो भाई, किसी भी दुकान पे आपको जाने की जरूरत नहीं, खुद से कर लिया करो ये काम। दो तार सोल्ड करने हैं, इन बैटरियों में सिर्फ दो ही तार होते हैं भाई, है ना। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इस पर टेप ज़रूर मार देना, नहीं तो ये आपस में है ना टच हो जाएंगी फिर। और ये दोनों तार है ना आपस में टच ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ये हमने लगा दिया ऐसे, अब इसके ऊपर वो लगा दो बस, इसका ढक्कन लो, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी बैटरी लगी है। लगी बैटरी वो टेंशन मत लेना, ब्लूटूथ की बोट की बोट का था वो, जो ब्लूटूथ मैंने लिया था ना वो बोट का ब्लूटूथ था, उसके तार टूटे हुए थे। ये बिंदास चलेगा भाई साहब, झकास। आपको वीडियो कैसी लगी यार, वीडियो में कुछ अगर कुछ सीखने को मिला हो ना आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी कभी पड़ी हो तो, ये लो चार्जर कनेक्टेड, ओके रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, है ना। अब इसको आधा एक घंटा चार्ज करेंगे। और बैटरी आप कोई ब्लूटूथ लो ना तो उसमें ब्लूटूथ देख लेना, किसी कबाड़ी से जब लोगे ना तो बढ़िया वाला ब्लूटूथ लेना, बोट का या पेट्रोनिक्स का मिल जाए और भी अच्छी बात है, उनकी बैटरी बहुत अच्छी चलती है भाई, और बोट की भी अच्छी चल जाती है, फिलिप्स की भी अच्छी चल जाती है, सोनी का हेडफोन मिल जाए तो और भी अच्छा है भाई, सोनी की तो और भी बढ़िया चल जाती है, सोनी के हेडफोन ऐसे ऐसे देखें भाई साहब, एक एक हफ्ते चल जाती है उसकी बैटरी। ये बैटरी थी हमारी और ये चेंज हो गई, ये फूल गई थी इसीलिए काम नहीं कर रही थी ना। अब इसको पंचर वंचर करना मत सीखना भाई बिल्कुल भी, बहुत सारे बंदे सुई लगा के इसे पंचर करना बताते हैं भाई, नाक में चढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ हादसा हो जाएगा आपके साथ, इसमें जहर होता है ठीक है, पॉइजन टाइप का जहर होता है मेरे हिसाब से, तो भाई ये जहर है ठीक है, इसको बिल्कुल भी सूंघना मत, इसको सुई से छेद करके बहुत सारे बंदे दिखा देते हैं वीडियोज़ बना के कि देखो बैटरी ठीक हो गई, भाई ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं होगी बैटरी, रिस्क बना रहेगा, हाथ पे बांधने वाली चीज़ है भाई, वो हाथ से ज़्यादा महंगी थोड़ी आएगी बैटरी। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए, जय हिंद और जय भारत।